आज मैंने राजगढ़ की जो हमारी सब्जी मंडी है उसका मैंने आज निरीक्षण किया और वहाँ मैंने पाया कि जो पहले हमने इसके रिपेयर के लिए हमने कुछ पैसे मंजूर किए थे 10 लाख के करीब, वो लग चुका है और हमारा जो किसान लोन है उसकी अब हालत ठीक हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी 3-3.5 बीघे ज़मीन है जो अभी खाली पड़ी हुई है, वो दोनों सड़कों के बीच में पड़ती है। मैंने आज अपने स्टाफ को, अपने सेक्रेटरी को, अपने जेई को हिदायत दे दी है कि इसकी जल्दी डिमार्केशन करें और इसकी DPR बनाएं, क्योंकि ये छोटी मंडी है, हमारे केवल 10 दुकानें हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर 20 दुकानें और बने, तो 20 दुकानों के लिए मैंने आज अपने स्टाफ को आदेश कर दिए और लगभग 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हम इस मंडी का यहाँ इसका शिलान्यास करेंगे। इसके ऊपर चाहे मेरा 1 करोड़ लगे, 1.5 करोड़ लगे, जितना भी इसका एस्टिमेट प्राकलन बनेगा उतने पैसे हम यहाँ लगाएंगे ताकि मेरे जो राजगढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अच्छी सुविधा मिले। और राजगढ़ के साथ ही हमारा खेरी में भी एक हमारी छोटी मंडी थी, वहाँ पर भी हम उस मंडी का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, उसके लिए भी 1.25 करोड़ रुपये हमने मंजूर कर दिए, जल्दी हम उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस तरह इस क्षेत्र के लोगों का, क्योंकि इसके साथ ही मैं पिछले दिनों मैं ढट्टू खाड़ी वहाँ पर गया था इस पंचायत में और वहाँ के लोगों ने मांग की थी कि नेहरी पुल और इस क्षेत्र में कोई सब्जी मंडी बनाया जाए, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि ज़मीन जल्दी से जल्दी उसके लिए ज़मीन हमारे APMC के नाम करवा दे ताकि वहाँ भाई इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में अब सेब की बहुत उत्पादन पौधे लगा रहे हैं लोग और सेब यहाँ पर पैदा होना शुरू हो गए, तो इस इलाके के क्षेत्र को, हमारे किसान बागवानों को एक अच्छी मंडी इसी क्षेत्र में मिले, तो ऐसा भी मेरा विचार है कि हम नेहरी पुल के पास या इसके आसपास कहीं कोई जहाँ ज़मीन हम लेफ्ट होगी वहाँ एक अच्छी मंडी बनाएंगे और ताकि हमारे लोगों को अपने जो फल है अपनी सब्जियाँ बेचने की सुविधा इन लोगों को मिल सके। आज मैंने राजगढ़ की जो हमारी सब्जी मंडी है उसका मैंने आज निरीक्षण किया और वहाँ मैंने पाया कि जो पहले हमने इसके रिपेयर के लिए हमने कुछ पैसे मंजूर किए थे 10 लाख के करीब, वो लग चुका है और हमारा जो किसान लोन है उसकी अब हालत ठीक हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी 3-3.5 बीघे ज़मीन है जो अभी खाली पड़ी हुई है, वो दोनों सड़कों के बीच में पड़ती है। मैंने आज अपने स्टाफ को, अपने सेक्रेटरी को, अपने जेई को हिदायत दे दी है कि इसकी जल्दी डिमार्केशन करें और इसकी DPR बनाएं, क्योंकि ये छोटी मंडी है, हमारे केवल 10 दुकानें हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर 20 दुकानें और बने, तो 20 दुकानों के लिए मैंने आज अपने स्टाफ को आदेश कर दिए और लगभग 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हम इस मंडी का यहाँ इसका शिलान्यास करेंगे। इसके ऊपर चाहे मेरा 1 करोड़ लगे, 1.5 करोड़ लगे, जितना भी इसका एस्टिमेट प्राकलन बनेगा उतने पैसे हम यहाँ लगाएंगे ताकि मेरे जो राजगढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अच्छी सुविधा मिले। और राजगढ़ के साथ ही हमारा खेरी में भी एक हमारी छोटी मंडी थी, वहाँ पर भी हम उस मंडी का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, उसके लिए भी 1.25 करोड़ रुपये हमने मंजूर कर दिए, जल्दी हम उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस तरह इस क्षेत्र के लोगों का, क्योंकि इसके साथ ही मैं पिछले दिनों मैं ढट्टू खाड़ी वहाँ पर गया था इस पंचायत में और वहाँ के लोगों ने मांग की थी कि नेहरी पुल और इस क्षेत्र में कोई सब्जी मंडी बनाया जाए, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि ज़मीन जल्दी से जल्दी उसके लिए ज़मीन हमारे APMC के नाम करवा दे ताकि वहाँ भाई इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में अब सेब की बहुत उत्पादन पौधे लगा रहे हैं लोग और सेब यहाँ पर पैदा होना शुरू हो गए, तो इस इलाके के क्षेत्र को, हमारे किसान बागवानों को एक अच्छी मंडी इसी क्षेत्र में मिले, तो ऐसा भी मेरा विचार है कि हम नेहरी पुल के पास या इसके आसपास कहीं कोई जहाँ ज़मीन हम लेफ्ट होगी वहाँ एक अच्छी मंडी बनाएंगे और ताकि हमारे लोगों को अपने जो फल है अपनी सब्जियाँ बेचने की सुविधा इन लोगों को मिल सके। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।